यस, क्लास 11 फिजिक्स। मैंने लास्ट क्लास में आपको प्रक्षेप गति के बारे में बताया था। यदि अपन किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा के अतिरिक्त, यानी ऊर्ध्वाधर का मतलब हो गया सीधा, के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में, यानी ऐसा अपन फेंकें या ऐसा फेंकें या ऐसा फेंकें, तो वस्तु क्या होती है? ऐसे होते जाके ऐसे हो गिरती है। जब वस्तु ऐसे होते जाके ऐसे गिरती है या ऐसे होते जाके ऐसे चल के आती है, तो यहाँ पर हम एक समतल की कल्पना कर लेते हैं, ठीक है? तो ये वस्तु हमारे पास दो तरीके से यहाँ पर गिर सकती है। मैंने यहाँ से एक वस्तु को पत्थर फेंका, वस्तु तो यहाँ जाती है लेकिन लौट के ऐसे आती है, ठीक? दूसरी कंडीशन मेरे पास क्या हो सकती है? मैं यहाँ पर ऐसा खड़ा हुआ हूँ और मैंने ऐसा पत्थर फेंका। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक पत्थर फेंका, तो वस्तु ऐसे हो जाके ऐसे आ जाती है। जब वस्तु ऐसे आके ऐसे गिरती है या ऐसे आके ऐसे गिरती है, तो वस्तु का पथ पर वलय या कार कहलाता है, ठीक? और वस्तु जब ऐसे गिरती है और ऐसी कंडीशन हम लेके चलते हैं, तो यह पथ प्रक्षेप गति के अंतर्गत कहलाता है। तो हम यहाँ पर प्रक्षेप गति की ही स्टडी कर रहे हैं। इसकी दो स्थिति हैं। पहली स्थिति है जब किसी हाइट से क्षैतिज दिशा में पत्थर को फेंका जाता है, और दूसरा जब किसी कोण से किसी पत्थर को फेंका जाता है। तो मैं यहाँ पर आज फर्स्ट कंडीशन को लेकर चलता हूँ। प्रथम प्रक्षेप गति जो है वो मेरे पास ये है, प्रक्षेप गति जब वस्तु को किसी ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता आप फिजिक्स पढ़ते हैं। फिजिक्स पढ़ते समय लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथ्स। फिजिक्स की लैंग्वेज मैथमेटिक्स है। अगर आपका 9th 10th क्लास का मैथ्स वीक है, या आपका थोड़ा सा भी ग्रास्पिंग पावर यानी आपको समझने की क्षमता कम है, तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि तो फिजिक्स हमारे पास मैथ्स नॉलेज सबका कॉन्सेप्ट इकट्ठा आता है। इसलिए फिजिक्स से ही में न्यूटन हुआ है, फिजिक्स से ही में आइंस्टीन हुआ है, फिजिक्स में ही आपके पास फैराडे है, टेस्ला है, ठीक? जितने भी इंटेलिजेंस साइंटिस्ट हैं वो सब फिजिक्स में ही आते हैं, क्लियर? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं किसी हाइट एच पर हूँ, मान लीजिए ये इस हाइट पे खड़े होके मैंने एक पत्थर को ऐसा करके फेंका है। आप कहाँ पर हैं? हाइट एच पर हैं, ठीक? आप संकल्पना कर लीजिए छत पर हैं, और छत पर आपने एक पत्थर को क्षैतिज दिशा में फेंका हुआ है। तो खुद ही सोचिए क्या कंडीशन होगी। पत्थर को आपने एक वेग यू से एक डायरेक्शन में फेंका हुआ है। मैंने सदिश में आपको सदिशों को एक्स अक्ष और वाई अक्ष में डिवाइड करना बताया हुआ है। तो मैंने यहां पर क्या किया,
एक स्टोन को या एक पत्थर को छत पे खड़े होकर एक दिशा में यहां पर फेंका और पूरे का पूरा वेग काय में दिया हुआ हमने एक दिशा में दिया हुआ है। अब कंडीशन क्या होगी, जैसे आप यहां पर देते हैं आप यहां पर खुद ही देखिए, अगर मैंने पूरे पत्थर को यहां पर फेंका 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यहां पर अगर पृथ्वी के अतिरिक्त कोई बल नहीं होता, यानी मान लो गुरुत्वीय बल भी नहीं है, तो पत्थर कहाँ चलता जाता, ऐसा चलता जाता, सीधी दिशा में आपके पास चलता जाता। लेकिन कंडीशन क्या हो गई, पृथ्वी ने इसको खींचना शुरू किया, तो जैसे ये खींचते हैं तो ये पत्थर यहां ना जाके कहाँ आने लगता है, नीचे आने लगता है। ठीक है, यानी आपने क्या किया, जो पत्थर को फेंका था, पत्थर को तो आपने क्षैतिज दिशा में फेंका, पूरा का पूरा वेग क्षैतिज दिशा में लिया, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसको नीचे की ओर आना स्टार्ट किया। इसका मतलब क्या हो गया, आप पत्थर को है ना एक्स दिशा में एक नियत वेग से प्रक्षेपित कर रहे हैं। यानी आपने पूरा का पूरा वेग कहाँ दिया है, पूरा वेग जो अचर है एक्स दिशा में कार्यरत, आपने पूरा का पूरा वेग एक दिशा में इसको दे दिया है। अब कंडीशन क्या होगी, देखिए मैं फिर से नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको बता देता हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने ये इस हाइट एच पर पूरा का पूरा वेग एक डायरेक्शन में दिया, यानी यू एक्स इक्वल टू यू, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे आने लगा, ये आने लगा, ठीक, ये नीचे आएगा। तो आप यहां पर होता देखिए ux इक्वल टू u, ये मेरे पास कैसा है, अचर है, अगर मैंने पूरा का पूरा वेग एक दिशा में होता दिया हुआ है और वेग अचर है, इसलिए मेरे पास x दिशा में त्वरण, अगर वेग अचर है तो त्वरण या वेग के मान में परिवर्तन नहीं होगा, जब वेग के मान में परिवर्तन नहीं होगा तो ax बराबर कितना आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, आ जाएगा। अब आप वो तो देखिए, इसका मैंने रिजल्ट निकाल लिया, एक्स दिशा में त्वरण का मान कितना है, जीरो है, ये बिल्डिंग की हाइट एच के इक्वल है, ठीक, तो हाइट ऑफ टावर और बिल्डिंग इक्वल टू एच। वाई दिशा में आप क्या कर लीजिए, वाई दिशा में आपका वेग यू वाई प्रारंभ में कितना था, जीरो था, लेकिन वस्तु गिरना शुरू हो गई तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण जी लगने लगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा वाई दिशा में, दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर शून्य, वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के कारण, त्वरण के कारण
अपना पाथ बनाती है, इसलिए वाय दिशा में वेग परिवर्तन अर्थात त्वरण जी कार्य करता। अब देखिए क्या कंडीशन आ गई, आपने पूरा का पूरा वेग कहाँ दिया था, एक दिशा में, जिसका मान u अचर था, इसलिए यहां पर एक दिशा में त्वरण के मान में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर पृथ्वी इसको नहीं खींचती तो वस्तु सीधी चलती जाती, लेकिन वस्तु को यहां पर पृथ्वी ने खींचना प्रारंभ कर दिया, तो प्रारंभिक वेग यू तो यहां पर जीरो होगा। अब इसका वेग यहां पर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और यहां पर त्वरण जी यहां पर उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। मैं यहां पर हाइट एच पे था, ये मैंने पूरा का पूरा वेग यहां पर एक दिशा में दिया, यू एक्स इक्वल टू यू इक्वल टू अचर, ठीक, अचर यानी कांस्टेंट हो गया। इसलिए एक्स बराबर यहां कितना हो गया, जीरो। प्रारंभिक वेग यू वाई इसका जीरो था, इसकी हाइट कितने के इक्वल थी, एच के इक्वल, ठीक। इसलिए गुरुत्वीय त्वरण जी यहां पर कार्यरत था, इसलिए इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, ये अर्थात परवलयाकार हो जाएगा। मैंने किसी टाइम टी पर एक बिंदु पी पर वस्तु की स्थिति दी। अब आप खुद ही देखिए, अगर एक दिशा में वेग जा रहा है लेकिन इसको पृथ्वी यहां पर खींचेगी, तो ये जाना तो यहां चाहेगा लेकिन पृथ्वी इसको खींचेगी, तो इसका पाथ कैसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो किसी टाइम पी पर मेरे पास वस्तु की स्थिति एक्स वाई है, ये ले लिया, ठीक है, इस दिशा में ये यू एक्स और ये कैसा लग रहा है, यू वाई वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए मैं इससे एक रिजल्ट निकाल लेता हूं, ये रिजल्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर लगने लगता है। मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, एक्स और ये वाई ले लेता हूं, एक दिशा में यू एक्स बराबर यू बराबर अचर है, इसलिए ए एक्स बराबर कितना हो गया, जीरो, ठीक। और आप यहां पर होता देखिए, वाई दिशा में यू वाई प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर जीरो, इसलिए मेरे पास ए वाई बराबर गुरुत्वीय त्वरण जी के मान के बराबर होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण मैं यहां पर इसको एक बार और अच्छे से होता लिख दे रहा हूं, यहां पर थोड़ा साइड में दिखता नहीं है, तो देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फिर से इसी टर्मोलॉजी को। देखिए ये हो गया आपके पास एक्स, ये हो गया वाई, ठीक है, एक दिशा में यू एक्स बराबर यू बराबर ये कैसा हो गया, अचर, इसलिए ए एक्स बराबर कितने के आ गया, जीरो की वैल्यू के इक्वल। वाई डायरेक्शन में आप होता देख लीजिए, प्रारंभिक वेग u बराबर जीरो, इसलिए a बराबर g की वैल्यू के इक्वल आ गया, ठीक है। मैं यहां पर ये प्रूफ कर देता हूं कि इसका जो पथ है वो परवलयाकार होता है। तो देखिए मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं, मैंने यहां पर ले लिया, माना किसी क्षण
पर वस्तु की स्थिति पी एक्स वाई है। ये आ गया। मैंने लास्ट क्लास में आपको यहां पर वेक्टर के फॉर्म में गति के तीन नियमों को बताया था और उनको एक्स वाई डायरेक्शन में निकाला था। तो देखिए, एस एक्स बराबर कितना आता है, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ये आ गया। इसलिए इसको मैं एस एक्स यानी इसकी पोजीशन स्थिति एक्स मान लेता हूं, यू एक्स एक्स दिशा में जिसकी वैल्यू घटक कांस्टेंट है, ये टाइम टी आ गया, 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर। बिल्कुल ये याद रखना है, एक दिशा में इसका त्वरण 0 के बराबर हो गया, तो ये टर्म 0 के इक्वल हो गई, एक्स बराबर यू टी, ये हो गया 0 के इक्वल। इसलिए टी मैंने यहां पर निकाल लिया एक्स अपॉन यू के इक्वल। ये मेरे पास, ये मान लिया मैंने कि जब कोई पार्टिकल केवल क्षैतिज दिशा में फेंका गया है और एक्स दिशा में या क्षैतिज दिशा में उसका घटक अचर है और त्वरण 0 है और उसका पथ परिवर्तकार आ रहा है क्योंकि वह गुरुत्वीय बल के अंदर गिर रहा है, तो किसी क्षण टी पर उसकी पोजीशन पी एक्स वाई है, तो ये जो टाइम निकला है जिस पर ये पहुंचा है उसकी वैल्यू एक्स अपॉन यू की वैल्यू के इक्वल है। ये मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। तो अब आप वो तो देखिए, मैं यहाँ पर ऐसे ये निकाल लूँ एस वाई इक्वल टू। देखिए मैं यहाँ पर इससे टी की वैल्यू उसमें रख देता हूं, तो टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर आ गया। तो वाई इक्वल टू ये आ जाता है हाफ जी यू स्क्वायर। देखिए इसको करेंगे तो यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए 1/2 आपके पास अचर है, जी 9.8, और मैं यू को तो अचर लेके ही चल रहा हूं, इसका मतलब है ये पूरी क्वांटिटी अचर है, इसलिए बाय इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, चूंकि समीकरण मेरे पास कितना निकला, वाई इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, इसलिए इसका पथ पर वल या कार होता है। ठीक है, तो देखिए हमेशा ध्यान रखिए, ये जो आपके पास पथ आता है ये परवल या कार होता है। इस डेरिवेशन को आप नोट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं जो यहाँ पर आपको कराने वाला हूँ वो डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है, पूरा बेस इसी का है और इसी के बेस पे हमें उसको करना है। कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए, मैं आप लोगों की कॉपी चेक करने वाला हूँ।